गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको हिंदी का असाइनमेंट देने जा रही हूँ, जिसका विषय है होली। आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और मेरे द्वारा बोले गए हर शब्द को, प्रत्येक शब्द को अच्छे से दोहराना है, हर वाक्य को अच्छे से दोहराना है, यानी रिपीट करना है। आपका विषय है होली। ये जो आपको होली का वीडियो दिखाया जा रहा है, होली पढ़ाया जा रहा है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, लिखना है। हिंदी की कॉपी में इसको आप राइट कर लीजिएगा और इस होली के त्यौहार को आपको अच्छे से तैयार करना है। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। जैसे मैंने ऐसे बोला तो आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे और इसी तरह अच्छे से उच्चारित करेंगे। जो उच्चारण मेरा है आपका भी सेम होना चाहिए। पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यही असाइनमेंट आप जब स्कूल आएंगे वापस, जब ओपन होगा, तो आप इस असाइनमेंट को देखेंगे और बिना देखे, घर पे तो ऐसे प्रैक्टिस करके आएंगे, बिना देखे आपको ये मुझे सुनाना है और आपको ये टेस्ट हो जाएगा आपका स्पीकिंग का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होली, होली के बारे में तो सभी जानते होंगे कि ये बहुत ही रंग बिरंगा त्यौहार है। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, पूर्ण विराम। ठीक है, आपको पता है भारत त्यौहारों का देश है, एक त्यौहार नहीं बहुत सारे त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, जिसमें होली प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी जाना माना त्यौहार है। अभी मैं एक बार केवल रिपीट करूँगी, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ कि होली क्या होता है। ठीक है, यह प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हर साल ये फाल्गुन मास में पूर्णिमा, फुल मून जब होता है तब मनाया जाता है, सबको पता होगा। इस दिन चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। होली के दिन आप देखेंगे चारों ओर हर तरफ आपको रंग गुलाल दिखाई देगा और खुशी और उल्लास का एटमॉस्फेयर बन जाता है। चारों ओर रंग ही रंग दिखाई देते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि आज होली है, क्योंकि चारों ओर हरा, बैंगनी, नीला, पीला, लाल, जितने भी कलर्स हैं सारे आपको उड़ते हुए और एक दूसरे के फेस पे हाँ लगे हुए दिखाई, कपड़े आपके कलरफुल हो जाएंगे। और देखिए, आपने जो कपड़े पहने उसमें भी कई सारे कलर होंगे ना, कलर्स होंगे, इसलिए होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, रंगों का त्यौहार, यानी कि बहुत सारे रंग इस त्यौहार में होते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन, होलिका जो कि प्रहलाद की बुआ थी, आपको पता है, होलिका दहन किया जाता है। सब लोग लकड़ी लगा के चौराहे पे होलिका जला देते हैं। इसके पीछे एक कथा है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हैं और सबके फेस पे, माथे पे तिलक लगाकर, गुलाल लगाकर होली की बधाइयां देते हैं। बच्चे पिचकारी और गुब्बारों में रंग भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों का ही ये ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छे से ये लोग खेलते हैं कि पिचकारी खरीदते हैं और गुब्बारे में रंग भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं और एंजॉय करते हैं। इस दिन प्रत्येक घर में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। गुजिया इस त्यौहार का प्रमुख व्यंजन है, आप जानते ही हैं, है ना, गुजिया नहीं बनी तो क्या बना। इस दिन हर घर में, हर जो भी लोग मनाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। और लास्ट में होली प्रेम, मित्रता एवं भाईचारे का प्रतीक है। होली प्रेम यानी प्यार का, मित्रता, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार और भाईचारा, सबको भाई भाई समझना, है ना, किसी से भी द्वेष नहीं करना, घृणा नहीं करना, ये सारी चीज़ें एक त्यौहार के अंतर्गत आते हैं जिसका नाम है होली। ठीक है बेटा, अब इसी तरह आप लोग इसका एक बार उच्चारण देख लीजिए, मैं पढ़ दे रही हूँ, इसी तरह आप लोग रिपीट करके आइएगा। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। चारों ओर रंग ही रंग दिखाई देते हैं, इसलिए होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है।
होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। बच्चे पिचकारी और गुब्बारों में रंग भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। इस दिन प्रत्येक घर में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। होली प्रेम, मित्रता एवं भाईचारे का प्रतीक है। ठीक है, तो आप लोग को एडवांस में हैप्पी होली। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।